हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके घर के सामग्री से बन जाएगा आसानी से, बिल्कुल फ्री, और काफ़ी हेल्पफुल होगा ये रेमेडी। और जैसा कि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस पे आते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये रेमेडी बनाई हूँ। तो इस रेमेडी से आपके फेस के जो भी प्रॉब्लम्स हो सब दूर हो जाएंगे, सन टैनिंग हो वो भी रिमूव हो जाएंगे, डार्क सर्कल हो वो भी रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके फेस पे पिंपल्स निकल रहे हैं, जलन हो रहा है, आपकी स्किन के साइन चली गई है और आपकी स्किन काफ़ी खिंची खिंची ड्राई है और आपके फेस पे छाइयाँ, झुर्री, रिंकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स इस रेमेडी से ठीक हो जाएंगे अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करते हैं। तो चलिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की आवश्यकता होगी तो बताते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बाउल में आटे का भूसी ले लेना है, चोकर, जो हम लोग आटा चालते हैं उसमें से चोकर निकलता है, वो एक बड़ा चम्मच ले लेना है, और दो चिटकी मतलब छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और एलोवेरा जेल लेना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं गेहूं के आटे में कितना जो है स्क्रबिंग के नीड होते हैं, जैसा कि उसका जो दरबरापन होता है वो हमारे फेस के सारी गंदगी को बाहर कर देता है, और हल्दी जो है हमारी स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है, गुलाब जल भी हमारी स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है। और जो है हल्दी और एलोवेरा जेल मिक्स करने के जो भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने का काम करता है। बस इन कुछ चीज़ों से आपको इस रेमेडी को बनाना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एलोवेरा जेल स्किप करके यहाँ पे कच्चा दूध मिक्स कर सकती हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आपको यही करना है। बाकी ऑल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, सॉरी ड्राई नॉर्मल स्किन वाले, गुलाब जल और एलोवेरा और चोकर और थोड़ा सा हल्दी मिक्स करेंगे, बस फेस पैक ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद, धोने के बाद हमें फेस पे क्या अप्लाई करना है, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपको ब्रश से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। आप ब्रश से करें या फिंगर से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ब्रश से ही करें, आप पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अपने फेस पे 10 मिनट तक लगा रहने देंगे, ये आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। आपको लगाते ही इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा कि आप इसको डेली लगाना चाहेंगे। अगर आप इसको डेली लगाती हैं तो आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक से दो महीने में एकदम आराम हो जाएगा। जैसा कि मैं कहना चाहूँगी, कोई भी रेमेडी, कोई भी क्रीम है एक बार में रिजल्ट नहीं देता है, जैसा कि मैं अपने आगे भी वीडियो में ये बात शेयर की हूँ और इस वीडियो में भी शेयर कर दे रही हूँ, कि आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई रेमेडी या कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी फेस फेशियल या कोई भी चीज़ एक बार में आपके फेस को ग्लो नहीं देगा। अगर हम लोग पार्लर में फेशियल भी देते हैं तो महीने महीने देना पड़ता है, उस तब जाके आपके फेस पे ग्लो दिखता है। तो आपको क्या करना है, रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करना है अपने फेस अकॉर्डिंग। मैं बहुत सारी रेमेडी अपने चैनल पे, बहुत नहीं 2-3 रेमेडी शेयर की हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्यार भी दिया है मेरी रेमेडी वाले वीडियो पे, तो इसलिए मैं अच्छी अच्छी रेमेडी आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो 10 मिनट हो चुका है, इस तरह से आपको जो बचे हुए पैक हैं उनको लेके अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज देना है। इससे आपकी स्किन में अगर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन की जो भी गंदगी है सब रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करेगा। तो आपको इस रेमेडी को नहाने से पहले करना है। अगर आप नहाने जा रहे हैं तो अगर फेस वाश या साबुन लगाते हैं तो उसको लगाना छोड़ दीजिए और इस रेमेडी को आप ट्राई करिए। अगर डेली भी करते हैं तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा और साबुन लगाना आप भूल जाएंगी। और आपके नोज के पास अगर ब्लैक हेड्स वाइट है तो इसको नोज पे ज़्यादा आप मसाज दें, इससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे और आपको ये रेमेडी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी।
आपको पार्लर जैसा ग्लो मिलेगा इस रेमेडी से। आप ट्राई करके देख सकते हैं, मैं जो वीडियो आपके सामने बना रही हूँ कोई भी वीडियो ना ही स्किप की हूँ, ना बहुत ज़्यादा फास्ट की हूँ और ना ही बंद की हूँ कैमरा, आपके सामने ही मैं इस रेमेडी को रिमूव भी करूँगी। तो इस रेमेडी से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स है दूर हो जाएंगे। और जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ उसी स्टेप में आप मसाज ज़रूर करें, क्योंकि हमारे स्किन के जो भी फेस होते हैं उनका मसाज करने का एक तरीका होता है। अगर आप घर पे हैं, आपको नॉलेज नहीं है मसाज के बारे में, तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मसाज कर रही हूँ। सेल्फ मसाज में ये बता रही हूँ, ये सेल्फ मसाज है, जैसा कि मैं अपने पार्लर में बाकी लोगों को सिखाती भी हूँ तो मसाज कैसे किया जाता है, तो मैं कुछ मसाज स्टेप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप घर बैठ के सेल्फ मसाज स्टेप सीख ले जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप कोई भी रेमेडी करें तो इस तरह से अपने हाथों से अगर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। अब इसको हम पानी से धुल देंगे और धुलने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पे। तो ऐसे ही रेमेडी वीडियो का आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, आप उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगी और इंस्टाग्राम का आईडी लिंक है, तो प्लीज़ उस पर भी विजिट करिएगा, फॉलो करिएगा और देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। और इस रेमेडी को आप अपने फेस पे ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और फेस वॉश करने के बाद आपको फेस को ड्राई कर लेना है और इस तरह से थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले के अपने फेस पर मसाज दे देना है। इससे आपकी स्किन की जो ड्राईपन रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी स्मूथ और फ्रेश आपको फील होगा, देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।